जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये डुअल कोर, क्वाड कोर एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स क्या चीज है। ऐसे कई सवाल जिनके जवाब आपको आज मिलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर होता है वो हमारे सिस्टम में किस जगह पर लगा होता है, यानी कि हमारे कैबिनेट में किस जगह पर लगा होता है। तो मेरे पास ये एक सिस्टम है, ये डेल का काफ़ी पुराना सिस्टम है, डुअल कोर डेल ऑप्टिप्लेक्स। तो मैंने पहले से ओपन करके रखा है इसे। ये इसका टोटल ओवरव्यू है। इसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सप्लाई आ जाती है, पावर सप्लाई जो कि हमारे पूरे सिस्टम को सप्लाई देती है। उसके बाद ये एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में हमारा ये सीमोस बैटरी सेल है, बाकी सर्किट्स वगैरह लगे हुए हैं। उसके अलावा ये रैम स्लॉट्स हैं जहाँ पे हमारी रैम लगती है, और ये हमारा लगा हुआ है कूलिंग फैन। अच्छा, बाकी सब चीज़ें तो हमें मदरबोर्ड में दिखाई दे रही हैं, इनके रैम, सीमोस बैटरी और भी जितनी केबल्स वगैरह हैं, लेकिन हमारा प्रोसेसर हमें इस टाइम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है वो ओपन स्पेस पे विजिबल नहीं होता, वो हमारे कूलिंग फैन के नीचे लगा होता है, जिसके लिए हमें अपने इस कूलिंग फैन को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये स्क्रूज लगे हुए हैं, एक इस साइड पे लगा होता है, एक इस साइड पे, एक ये लगा हुआ है, हमें ये ओपन करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं, तो हम आगे इसे रिमूव करते हैं। तो स्क्रू रिमूव करने के बाद हम इसे सिंपली यहाँ से ऐसे पीछे को कर लेंगे। तो ये जो है हमारा इसके नीचे लगा हुआ है प्रोसेसर, हम इसे रिमूव कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो जाए। इसे यहाँ से ऐसे रिमूव कर लेते हैं, साइड पे रख देते हैं। तो ये जो है हमारा इस जगह पे हमारा लगा हुआ है प्रोसेसर, इसका लॉक होता है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, तो इस पर सिंपली रिमूव हो जाएगा। इस लॉक को हम यहाँ से नीचे को प्रेस करेंगे और साइड को करके इससे ऐसे ऊपर कर देंगे, और ये लॉक जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसे उठाने के बाद ये जो चीज़ है ये है हमारा प्रोसेसर, जो कि अच्छा ये ख़राब है तो मैंने बेसिकली ऐसे उठा लिया, लेकिन इसे बड़े ध्यान से उठाना पड़ता है। कोशिश कीजिएगा कि इस जगह के आपकी फिंगर्स टच ना हो या किसी तरह की डस्ट वगैरह ना आए। ख़राब है तो मैं इसीलिए इसे ऐसे पकड़ रहा हूँ। तो जी ये है जी हमारा प्रोसेसर, जो कि हमारे सिस्टम को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करता है। तो इसे हम वापस लगा देते हैं, हमारा मकसद और ये यहाँ प्रोसेसर की स्लॉट है जी। तो इसे रख देते हैं ऐसे ही। अब हम जानते हैं कि हमारा प्रोसेसर क्या होता है, यानी कि कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, एवरीथिंग यू हैव टू बी नो अबाउट दैट। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि प्रोसेसर कैसा दिखता है और ये हमारे सिस्टम में किस जगह पर लगा होता है। तो अब हम जानते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर बेसिकली हमारे कंप्यूटर का माइंड होता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शंस को प्रोसेस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर का माइंड है, तो इस माइंड के दो हार्ट भी होते हैं। तो हार्ट मतलब के दो मेन कंपोनेंट्स जिनके थ्रू ये प्रोसेसर वर्क करता है। उसमें हमारा जो पहला आ जाता है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और दूसरा है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। इन दो कंपोनेंट्स के थ्रू ही हमारा प्रोसेसर जो है वर्क करता है, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस अपने कीबोर्ड या माउस के थ्रू अपने सिस्टम को देते हैं वो हमारा प्रोसेसर जो है वो आगे प्रोसेस करता है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट में हमारा है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हमारे प्रोसेसर में यानी कि हमारे सिस्टम में जितने भी मैथमेटिकल
जो फंक्शंस होते हैं यानी कि अरिथमेटिक जो फंक्शंस होते हैं वो इस ALU के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, यानी कि जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो सारी हमारी ALU के थ्रू ही होती है। ALU हमारे सिस्टम में दो टाइप्स का होता है, एक ALU होता है और दूसरा जो होता है वो होता है रजिस्टर। जो सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हमारे सिस्टम में एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, यानी कि हम एक यूज़र के थ्रू सिस्टम को जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है ये पहले उस फंक्शंस को चेक करता है और उन्हें उनकी सही डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड करता है। मतलब कि हमने अगर अपने सिस्टम में कोई एडिशन का फंक्शन परफॉर्म किया है, यानी कि कोई ऐड किसी चीज़ को ऐड किया है, तो उसे वो एडिशन की तरफ ही फॉरवर्ड करेगा। जी तो अब हम देखते हैं कि ये मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्यों बनाए गए, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स ये क्या चीज़ है, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या कैसे यूज होते हैं, क्या मकसद है इनका। पहले पहले हमारे सिस्टम में सिर्फ सिंगल कोर प्रोसेसर ही यूज होता था, यानी कि उसमें एक सर्किट लगा होता था, तो जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो काफ़ी लो होती थी। जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई हैं, नए मॉडल्स आते गए हैं, हर चीज़ नई आती गई, नए सॉफ्टवेयर आते गए, तो हमारा जो सिंगल कोर प्रोसेसर था वो उसके लिहाज से काफ़ी स्लो काम करने लगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक डुअल कोर प्रोसेसर निकाला गया। डुअल कोर प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर एक ही है, यानी कि उसमें प्रोसेसर वो एक है लेकिन उसमें जो सर्किट्स हैं वो दो लगे हुए हैं। और ऐसे ही जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है उसमें हमारे जो सर्किट्स हैं वो चार लगे होते हैं, और जो हमारा क्वाड कोर प्रोसेसर है उसमें हमारे 8 सर्किट लगे होते हैं। और जैसे जैसे ये सर्किट्स, प्रोसेसर एक ही है लेकिन सर्किट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को है, यानी कि जो स्पीड को है वो बढ़ा सकें, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्पीडी वर्क कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमारे प्रोसेसर्स के साथ जुड़ी रहती है, अगर हम अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाकर देखें तो हमारे प्रोसेसर के साथ लिखा होता है डुअल कोर 1.6 GHZ, डुअल कोर 2 GHZ एंड डुअल कोर 3 GHZ। GHZ जो है ये होता है गीगाहर्ट्ज, और ये होती है हमारे सिस्टम की क्लॉक स्पीड। अच्छा, हम अपने प्रोसेसर्स को देखते हुए यानी कि डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, इससे तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डुअल कोर से बेहतर जो है वो क्वाड कोर है, क्वाड कोर से बेहतर जो है वो ऑक्टा कोर है। तो इन्हीं के साथ साथ जो हमारी क्लॉक स्पीड होती है 1.5, 2 एंड 3, ये भी हमारे सिस्टम की स्पीड में उतना ही काम करती है जितना कि हमारा के प्रोसेसर। अगर हमारे पास एक डुअल कोर प्रोसेसर है 1.5 GHz तो, और अगर हमारे पास एक प्रोसेसर है डुअल कोर का 3 GHz, तो जाहिर सी बात है जो 1.5 GHz वाला है वो 3 GHz की निस्बत स्लो होगा। इसी तरह क्वाड कोर अगर 3 GHz में है, या फिर क्वाड कोर अगर 1.6 GHz में है, तो 3 GHz वाला 1.5 GHz की निस्बत बहुत बेहतर होगा। जी तो आज के लिए इतना ही, यही था हमारे प्रोसेसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कोई चीज़ सही से डिस्क्राइब नहीं की, या आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।